राहुल गांधी के द्वारा एक झटके में गरीबी खत्म करने के दावे के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करारा जवाब देते हुए कहा कि एक झटके में कांग्रेस समाप्त हो रही है। वहीं सिंधिया ने संकल्प पत्र को माफीनामा बताए जाने पर भी कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। देखिए खास रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी को दिया करारा जवाब। एक झटके में गरीबी खत्म करने के दावे पर बोले सिंधिया, एक झटके में देश से खत्म हो जाएगी कांग्रेस। संकल्प पत्र को माफीनामा बताए जाने पर सिंधिया ने कांग्रेस को दिया जवाब। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और इसे लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस की सरकार बनने पर एक झटके में गरीबी खत्म करने वाले राहुल गांधी के बयान पर सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि एक झटके में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से एक झटके में ही कांग्रेस की समाप्ति हो रही है, जो महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के समय ही कहा था कि कांग्रेस को अब अपना कार्य समाप्त कर देना चाहिए। जो गरीबी की बात कांग्रेस करती है वो 65 वर्षों से कर रही है। गरीबी हटाओ, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन नहीं होगा किसी का उत्थान, यही कांग्रेस का सबसे बुलंद नारा है। वहीं कांग्रेस द्वारा बीजेपी के संकल्प पत्र को माफीनामा बताए जाने पर सिंधिया ने कहा कि जिस कांग्रेस ने वादा खिलाफी की नीति बनाई, जिसने सनातन धर्म का अपमान किया, उस कांग्रेस को जनता त्यागने वाली है। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने वादा खिलाफी अपनी नीति बनाई, जिस कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार अपनी नीति बनाई, जिस कांग्रेस पार्टी ने सनातन धर्म को नष्ट करने का संकल्प अपना वादा बनाया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने शक्ति को विनाश करने का संकल्प अपना लक्ष्य बनाया, उस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण रूप से जनता ही त्याग देने वाली है। इसका ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर प्रवास के दौरान मीडिया से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, ग्वालियर।